भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। सबसे पहले देखो, जनसांख्यिकी होता क्या है, जनसंख्या का क्या मतलब है। जनसांख्यिकी का मतलब होता है जनता का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना, अर्थात जनसंख्या के बारे में पूरी तरह जानना, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनमें कितने एसटी हैं, कितने एसटी हैं, उसके बारे में डिटेल से जानना। अब जनसांख्यिकी दो प्रकार की होती है, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी वो होती है जिसमें जनसंख्या के आकार का पता चलता है। सामाजिक जनसंख्यिकी, इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाता है। अब है जन्म दर और मृत्यु दर। अब ये देखना, जन्म दर क्या होती है, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे कितने बच्चों ने जन्म लिया, मतलब कि 1000 बच्चे हैं ना, उनके पीछे व्यक्ति है ना, 1000 व्यक्ति, उनमें कितने बच्चों ने जन्म लिया, वह है जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर, मृत्यु दर में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जितने लोग मरते हैं, मतलब कि 1000 ने जन्म लिया ना, उसके पीछे एक वर्ष में कितने बच्चे मरे हैं, कितने लोग मरे हैं, तो होती है मृत्यु दर। अब अगर जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर ज़्यादा रही, मृत्यु दर कम हो गई, तो हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसके बाद है आदर्श जनसंख्या। आदर्श जनसंख्या क्या होती है, आदर्श जनसंख्या होता है जन्म दर और मृत्यु दर में बराबरी होना, मतलब कि जन्म दर भी सेम और मृत्यु दर भी सेम, तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श जनसंख्या। अब जन्म दर में वृद्धि के लिए कारक उत्तरदायी, जन्म दर में अब हमारी जन्म दर है उसमें वृद्धि हो रही है, उसके लिए कोई तो कारक होगा ना, कोई तो कारण होंगे जिसके लिए हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इसके मेन पॉइंट है कम आयु में विवाह, बहुत से ऐसे निर्धन परिवार या अनपढ़ हैं जो कि अपने बच्चों का कम उम्र में विवाह करते हैं, वो भी जन्म दर का मुख्य कारण होता है। निरक्षरता, निरक्षरता भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होता है। जैसे अनपढ़ लोग होंगे, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानेंगे, पढ़ा लिखा आगे के बच्चों के बारे में भी सोचेगा, सारे बहुत प्री प्लान करेगा, अनपढ़ व्यक्ति ये नहीं जानते, जो कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। थर्ड नंबर है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार मिला जुला परिवार जिसमें सब लोग इकट्ठे रहते हों, संयुक्त परिवार, इसमें ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितने भी ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा खेती करेंगे और उतना ही काम में हाथ बटाएंगे, जो कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होता है। अब है शिशु मात्र दर, शिशु मात्र दर क्या होता है, शिशु मात्र दर में जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में एक वर्ष की आयु के कितने बच्चे और कितनों की एक वर्ष से पहले ही मर चुके हैं, मतलब जैसे कि 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से एक साल का होने से पहले ही कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया, कितने बच्चे मर गए हैं, उसे शिशु मात्र मृत्यु दर कहा जाता है। मात्र मृत्यु दर, अब ये है कि मात्र मृत्यु दर, जैसा कि इसके नाम से पता चला, मात्र जितने 1000 जो लेडीज हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो प्रसव पीड़ा के दौरान कितनी लेडीज हैं मरी, 1000 के पीछे कितनी लेडीजों की मृत्यु हुई है। कई तो जैसे कि हमारा ग्रामीण एरिया होता है, उसमें डॉक्टर सुविधा ना होने के कारण बहुत सी लेडीजें मर जाती हैं, जिसके मात्र मृत्यु दर कहा जाता है। अब इसमें यह है जन्म मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर, आदर्श जनसंख्या और जन्म दर की वृद्धि के लिए जो कारक उत्तरदायी है, मेन टॉपिक ये है जन्म, इसके जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए।